हे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एबी रॉक्स टीम्स। तो गाइस, दोबारा से मैं आप लोगों के लिए आ गया हूँ एक मैच कवर करने, जो कि हिराजा का यूरोपा लीग का, और दो बहुत बड़ी टीम्स खेलने वाली है, एक तरफ आर्सेनल, एक तरफ विलारल। और पिछला मैच भी बहुत तगड़ा है, दोनों एक टीम पे हैं, मतलब एक टाइम पे। लेकिन बात करूँ तो इस दोनों टीम्स के बीच आर्सेनल थोड़ी सी ज़्यादा बेटर है, क्योंकि आर्सेनल के पास वो एबिलिटी है कि विलारल के सामने भिड़ सके। बात करेंगे यहाँ पे किस चैनल पे आपको फाइनल टीम मिलेगी, तो इस चैनल पे आपको फाइनल टीम मिलेगी गाइस, जिसका नाम है एबी रॉक्स ड्रीम 11 टीम्स। चैनल का लिंक नीचे जाओ, डिस्क्रिप्शन में जाकर विजिट करो, वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा। तो मेरे नाम के काफ़ी फेक चैनल्स हैं, सो बी अवेयर फ्रॉम देम। तो चलते हैं दोस्तों आगे। बात करूँ अगर मैं इस मैच की, तो आर्सेनल वर्सेस विलारल, टॉप का मैच भाई। एक तरफ आर्सेनल, एक तरफ विलारल, कौन गोल करेगा कौन नहीं, ये तो सिर्फ एक एक्साइटमेंट है हमारी। तो मैं सबसे पहले बात करूंगा गोलकीपर की, यहाँ से लूँगा फर्स्ट प्लेयर्स का नाम है जी रूली। काफ़ी लोगों ने पिछले मैच के अंदर बी लैनो को ट्राई किया था, लेकिन मैं उनसे पूछूंगा क्यों ट्राई किया था, तो वो इसका जवाब देंगे कि इसका नाम ड्रीम टीम में आया, बट क्यों आया उनको ये नहीं पता। सीधी बात यह है कि विलारल टीम जो है वो गोल कर तो सकती है, एक आधा कर सकती है, इससे ज़्यादा नहीं। अगर नहीं भी किया तो भी अच्छा है, हमारे चार डिफेंडर हैं एक ही साइड के। तो बात करूंगा अगर भगवान न करे विलारल गोल करती है, और फिर आर्सेनल भी किसी से कम नहीं है, वो भी गोल करने की कोशिश करेगी। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे जो दबाव बैठेगा गोलकीपर पे, मैनेजमेंट वालों का सबसे ज़्यादा दबाव होगा इस प्लेयर पे, क्योंकि जी रूली अपनी टीम वॉन करवा सकता है गोल्स रोक के। अगर आप गोल नहीं रोकते तो आपकी टीम हारेगी, तो एक क्या दो क्या दस दस भी गोल खा लोगे, लेकिन अगर गोल रोक लेते हो तो एक भी गोल करने से रोक सकते हो। बात करूँ डिफेंडर की, तो यहाँ से लूँगा अनदर प्लेयर जिसका नाम है पी मैरी। एक नॉर्मल प्लेयर है, 8 क्रेडिट का प्लेयर हुआ करता था ये। इसकी इतनी बड़ी एक टीम के लिए त्याग, मतलब इतना ज़बरदस्त, जब इतना लकी प्लेयर है अपनी टीम के लिए, जब खेलता है भाई टीम के मैक्सिमम 70% मैच जीतती है जब ये खेलता है। आर होल्डिंग की बात करूँ तो होल्डिंग को पिछले मैच के अंदर 8 क्रेडिट का कर दिया गया, लेकिन वही है ना, बंदे को देखा करो, नाम क्या है, काम क्या कर सकता है। तो ऐसे तो बहुत गलत है अगर आप एक बिग प्लेयर को डाउन कर दोगे, तो आर होल्डिंग इज़ ऑलवेज बेस्ट। और आगे से बात करूँ सी चैम्बर्स की, चैम्बर्स को लोगों ने प्रीवियस मैच में नहीं लिया था, बट वी हैव ट्राइड, और पिछले मैच में भी अच्छा करके गया। मैंने जो ड्रीम टीम होती है उसमें भी इसका नाम था गाइस। जी हाक्सा की बात करूँ तो जी हाक्सा जो प्लेयर है, ग्रैनिट हाक्सा इज़ अ नॉर्मल प्लेयर, और हाक्सा वैसे एक मिडफील्डर है, इट्स नॉट ए डिफेंडर। आप सोच रहे होंगे फिर मैंने अपनी टीम में क्यों लिया, मैंने इसको अपनी टीम में इसलिए लिया गाइस, अगर आर्सेनल की क्लीन शीट लगती है तो आज इसको 20 पॉइंट मिलेंगे, इसका गारंटी मैं लेता हूँ, अगर क्लीन शीट लगती है तो। आगे से बात करूँ मिडफील्डर की, यहाँ पे लूँगा फर्स्ट प्लेयर्स का नाम है सैमुअल चेक्विज। इसके इस सीजन में अपनी जो लीग में खेलते हैं, ये ललीगा लीग, उसमें इसके मैक्सिमम गोल्स हैं, मैक्सिमम पूरे रिकॉर्ड चेक करो तो बंदे का टॉप 5 में नाम आएगा अपनी टीम में। बी साका की बात करूँ तो बी साका इज़ नॉट ए पेनल्टी टेकर, 10 बार बोल चुका हूँ। जब एन पैप, ए लैकाज़ेट और पी अबामेयंग नहीं खेलते, उसकी जगह बी साका पेनल्टी लेते, लेकिन वो बड़ी दूर की बात है। तो एन पैप इज़ अ पेनल्टी टेकर, अगर पी अबामेयंग या ए लैकाज़ेट नहीं खेलेगा तो बी पैप ही पेनल्टी लेगा, मैं आपको बोल रहा हूँ। और आगे से बात करूँ नेक्स्ट प्लेयर की, इसका नाम है मैनुअल ट्राइगरेस। प्रीवियस मैच के अंदर जोरदार गोल ठोका था इस प्लेयर ने। आगे से बात करूँ स्ट्रेट फॉरवर्ड की, जी मरेनो। काफ़ी लोग जी मरेनो की जगह मुझे कह रहे थे कि हम कौन सा प्लेयर ट्राई कर सकते हैं जीएल के लिए। देखो, एक तो आप ट्राई कर सकते हो इस प्लेयर को, इसका नाम है पे एलकर, लेकिन स्मॉल लीग में मत करना। जीएल में एक आधा कॉम्बिनेशन बना लो, लेकिन स्मॉल लीग में तो कोई तुक नहीं है। आगे से बात करूँ पी अबामेयंग की, तो पी अबामेयंग शायद ही आज का मैच खेलेगा, नहीं खेला देन वी ट्राई ए लैकाज़ेट। अगर कोई भी नहीं खेला फिर तो मिडफील्डिंग से एक नया प्लेयर ट्राई करेंगे, मैं आपको बताऊंगा कौन सा। आगे से बात करूँ कैप्टन एंड वाइस कैप्टन की, कैप्टन पेप को रखूंगा, वीसी अभी के लिए पी अबामेयंग को रखा है। मैं श्योर नहीं हूँ खेलेगा कि नहीं, 10% ही चांस है सिर्फ खेलने के, 90% बना है, तो देखते हैं क्या करना है गाइस। मिलता हूँ अगली वीडियो में, बाय।